प्रकार से भारत का छोटा सा हिस्सा लक्षद्वीप आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर स्कूबा डाइविंग की और भारत के टूरिस्ट से, विश्व के टूरिस्ट से ये अनुरोध या अपील की कि आप विश्व के कोने कोने में जाएं, लेकिन एक बार भारत के नेचुरल ब्यूटी वाले आइसलैंड और आयरलैंड और टापुओं को जरूर एक्सप्लोर करें। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मालदीव देश छोटा सा देश है एक, वहां पर जो टिकट होते थे, फ्लाइट हो रही थी उसको जाने की, उन्होंने बहुत सालों ने टूरिस्ट ने कैंसिल कर दी, हजारों की संख्या में फ्लाइटें कैंसिल हो। मालदीव के मंत्री जो थे जिनकी दाढ़ी में जुए रहती है, उन्होंने एक बद्दे से कमेंट किए भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर। एक ने ये तक बोला कि भारत के होटल में बदबू आती है, जिनकी दाढ़ी में जुए रहती है वो लोग बता रहे कि भारत के होटल में बदबू आती है। लेकिन भारत का विपक्ष जो नेता चीन के दलाल है, मालदीव में चीन का दलाल है, चीन की फंडिंग से वो चलता है, भारत के अंदर भी चीन के दलाल बैठे हुए जो नाले के अंदर कूद जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हम युवा महान हैं, उन लोगों को भी भयंकर मिर्ची लगी। तो क्या इसके पीछे सिर्फ एक ट्रिप जो मोदी जी की रैंडम ट्रिप थी लक्षद्वीप के ऊपर जो गए, क्या यही एक कारण था या इसके पीछे कोई दूरदर्शी सोच थी? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी को अचानक ऐसा क्यों डिसीजन लेना पड़ा कि लक्षद्वीप जाकर के उन्होंने भारत के लोगों से अपील की कि आप वहां जाएं। क्या इसमें टूरिस्ट का मामला था हम समझते हैं? यश भाई क्या लगता है आपको, जो मोदी जी की विजिट थी मात्र टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए, भारत के कोने कोने से लोगों को जोड़ने के लिए थी, या इसके पीछे भी कोई रणनीति आपको मोदी जी की दूरदर्शी सोच नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है कि लक्षद्वीप के पीछे मोदी जी जरूर एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उनका लक्ष्य ये रहा होगा कि ठीक है मेरे जाने से जरूर उनको ये बात तो पता है कि जहां मैं जाऊंगा वहां पे एक लाइमलाइट जरूर। हाँ, उनके पूरे विश्व भर में फॉलोअर है, विश्व के जाने माने नेता माने जाते हैं। उनका जाना और लीक से हटके कुछ कर देना वो अपने आप में सोशल मीडिया में ट्रेंड बन जाता है, जैसा कि बनी है। अब हुआ ये कि एक दिन उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी, अलग अलग उन्होंने दिखाया, इससे विपक्ष तो जलता जो जलता, लेकिन जल गया मालदीव ज्यादा। मालदीव जो देश है वो लक्षद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब अगर हम माने किलोमीटर में अगर देखें तो 800 किलोमीटर मैक्सिमम लक्षद्वीप से दूरी होगी, भारत की और लक्षद्वीप की 800 किलोमीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम मान सकते हैं। लक्षद्वीप से मालदीव 800 किलोमीटर है। लक्षद्वीप को हम समझेगा तो लक्षद्वीप कोची जो हमारा केरल वाला स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो लक्षद्वीप जो हमारा मालाबार कोस्ट होता है, यानी जो हमारा कोची वाला इलाका, केरल वाला इलाका, उससे थोड़ा सा दूर है। साइड में हट के 36-37 द्वीपों का एक समूह है जिसको एक श्रेणी में हम लोग बोलते हैं, तो कई छोटे छोटे से द्वीप हैं, वो मिला के एक लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी हमारी बनती है। वहां से मालदीव इतना दूर नहीं है कि मतलब बहुत दूर लगे कि कोई देश दूसरा आ गया, बहुत पास से है। तो मालदीव जाने का लोगों का एक वो भी रहता है कि मालदीव जाना हमारे लिए बहुत वो रहता है, ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था और पास भी पड़ता है, ठीक है, वो इंडिया के लिए बहुत नियरेस्ट वो होगा। अब मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं था कि वहाँ पे मालदीव को छोड़ दे, मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। हाँ, मोदी जी ने तो सिर्फ भारत के विभिन्न टापुओं पे टूरिस्ट अपील की थी कि आप इनको जाकर देखो, मालदीव को क्यों मिर्ची लगी? और मेरा सवाल ये है कि क्या जो लक्षद्वीप की जो ट्रिप थी मोदी जी की, क्या सिर्फ टूरिज्म को एक्सप्लोर देने के लिए, उसको लक्षद्वीप को ऊपर उभारने के लिए थी, या इसके पीछे कोई पहले से दूरदर्शी सोच चली आ रही है? तो अब मालदीव में जब मोदी जी गए, एक दिन के अंदर मालदीव के 3-3 मिनिस्टर ऐसा बयान बोल गए जो रुक ही नहीं पाए, अपने आपको रोक ही नहीं सके वैसी चीजों में। क्या हो गया ऐसा? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मालदीव मत जाओ, लेकिन उन्होंने बस अपने देश के वो करा कि यार हमारे पास भी अच्छे क्यों लगा? क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके पीछे दो बड़े रीजन हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये लगता है कि सीधा सीधा अटैक हो रहा है कि भाई आप अगर लक्षद्वीप जा रहे हो तो मालदीव जाके करोगे क्या, क्योंकि आप इंडियन उसमें रहो, जैसे मोदी हमेशा प्रमोट करते हैं कि आप विदेश से पहले देश घूमना पसंद करें, तो मालदीव वालों को सबसे पहले मिर्ची इसलिए लग गई। दूसरा थोड़ा सा वो इसके पीछे बैकड्रॉप यह है कि 2023 में एक नई सरकार आई है मालदीव ने, अभी मालदीव के अंदर 2023 में नई सरकार बनी है, जो कि सरकार है पूरी तरह से चीन समर्थित, यानी प्रो चाइना एक सरकार हम कह सकते हैं, चीन के टुकड़ों पर पलने वाली सरकार जिसे हम बोल सकते हैं शुद्ध देशी भाषा में, जो मराजू या मराइजू ऐसा कुछ उनका नाम है, जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं वो प्रो चाइना माने जाते हैं अपने देश में, और उनका जो कैंपेन चला था 2023 में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चला था, वो पूरी तरह से प्रो चाइना समर्थित था और इंडिया के खिलाफ चला था, और उसमें उनको वोट भी मिले। अच्छा, इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाया था, इसलिए मालदीव में प्रो चाइना जो सरकार बनी है, प्रो चाइना पूरी तरह से प्रो चाइना सरकार बनी है। मालदीव के जो पहले गवर्नमेंट थी, यानी 18 से लेकर 23 के बीच में जो गवर्नमेंट रही है, वो पूरी तरह से प्रो इंडिया गवर्नमेंट रही है। वहाँ पे उनका जो मोहम्मद सलाह का उनका नाम है, तो वो पूरी तरह से इंडियन समर्थित थे, और इंडिया ने उस टाइम पे अपनी काफी चीजें हेल्प आउट भी करी, जैसे आप ऑपरेशन संजीव भी चला था कोविड के टाइम पे 2020 में, आप ये मानिए कि 150 मिलियन कैश डॉलर में स्वैपिंग का उनको वो दिया था मालदीव। ये यकायक मोदी जी का विजिट करना लक्षद्वीप, क्या सिर्फ अपने भारत के टूरिज्म को बढ़ाना है, ऐसे कुछ संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? अब मोदी जी जब काम करने निकलते हैं तो उनके पीछे हमेशा कहीं ना कहीं हिडन एजेंडे होते हैं, वो दिखा आपको रहे कि टूरिज्म, तो टूरिज्म के पीछे उनका एजेंडा ये है कि आप लोग यहाँ आओ, ठीक है, कहीं ना कहीं चुपचाप कह गए, कहीं ना कहीं चुपचाप कह गए कि मालदीव जाना बंद करो, यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात बोली है मोदी, मतलब मोदी जी का जो एजेंडा है बिल्कुल सही बोला यश जी ने, कि दिखाते कुछ और है लेकिन उनके पीछे की जो रणनीति होती है वो कुछ अलग, वो अलग चीजें होती है, उसको समझते भी हैं। अब आप ये देखिए कि उनने कुछ नहीं कहा लेकिन 3 मिनिस्टर ऐसा बोल गए कि हालत खराब हो गई। अब इंडिया वो पुराना, लेकिन भारत का, नए भारत का दबाव देखिए आप,
भारत के अंदर के मिनिस्टर भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन विदेश के मिनिस्टर को भी सस्पेंड करना पड़ा बिना कुछ बोले। ये भारत नया भारत का दबाव, ये नया भारत है। ऐसा दबाव पहले कभी देखा नहीं जाता था, ऐसी कूटनीति, ऐसी डिप्लोमेसी कभी देखी नहीं। लेकिन ये टूरिज्म को वहाँ लक्षद्वीप में बुलाना, इसके पीछे क्या रणनीति आपको नजर आती है? जैसे लक्षद्वीप के अगर टूरिज्म के जाने से प्रो जो चाइना की सरकार बनी थी उसको क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो जैसे ही सरकार में आए, नई गवर्नमेंट जैसी फॉर्म हुई, उन्होंने इंडिया के जितने भी मिलिट्री वहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं, यानी वहाँ पे जो इंडिया के सैनिक हैं बेस बने हुए मालदीव में उनको हटाना शुरू कर दिया। इंडिया की जो पॉलिसीज, इंडिया समर्थित पॉलिसीज जो चल रही है वो हटाना शुरू कर दिया। पिछले 6 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, पिछले 6 महीने से आप मतलब देख सकते हो कितनी बड़ी साजिश प्रो चाइना की जो सरकार चल रही है। हमारे देश के अंदर भी पिद्दी कुछ बैठे हुए हैं दलाल, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीमा के बाहर। प्रो चाइना मालदीव, उन्होंने जो इंडिया के साथ जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, जो कैंपेन और जो इवेंट चलाए जा रहे थे, धीरे धीरे करके साइड करने लगे, सबको रूल आउट करते हुए जा रहे हैं। उनका एजेंडा भी यही है कि इंडिया की समर्थित चीजों को यहाँ। लेकिन ये जो मोदी जी वहाँ गए, टूरिज्म वहाँ जाएगा, जैसे प्रो चाइना जो सरकार बनी हुई है मालदीव के अंदर, उसको क्या फर्क पड़ेगा? हम रेवेन्यू की बात करें तो डेफिनेटली रेवेन्यू तो उनको दिखने लग गया है कि हमारे आटे दाल के भाव वहाँ पर भी जो भी उनको रहता है खाने को महंगा होने वाला है। फ्लाइट के टिकट, होटल के टिकट कैंसिल होने जा रहे हैं। मैंने देखा है कुछ कलाकार, हमारा इंडियन आर्टिस्ट है, उन्होंने फोटो शूट भी वहाँ पर इवेंट कैंसिल करा। बहुत बड़ा एक रेवेन्यू के अलावा और क्या लॉस नजर आ रहा है? रेवेन्यू के अलावा मालदीव गवर्नमेंट को सबसे बड़ा रेवेन्यू के बाद तो ऐसा कोई लॉस नजर उनको इस वजह से आ रहा है क्योंकि मोदी जी एक वर्ल्ड वाइड छवि बना चुके हैं और मोदी जी से लड़ना एक इंडियन उससे ही लड़ना हो गया है अभी। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसा कि आपने बताया प्रो चाइना की जो सरकार है वहां पे, तो कहीं ना कहीं चाइना के जो हिडन एजेंडा थे वो भी अब मोदी जी ने ब्रेक लगा दिया, वॉल लगा दी, क्योंकि हो सकता है प्रो चाइना सरकार के साथ, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं चाइना बदमाशी करता है दीवार के पीछे से, तो मालदीव की जो नई सरकार है उसके तो जैसे आपने केरल का तट बताया है आपने, तो कहीं ना कहीं वो उस साइड से भी लक्षद्वीप के ऊपर भी कुछ करना चाहे। लेकिन अगर जैसे अगर टूरिस्ट जाने लगेंगे तो कुछ हद तक जो बाहर की शक्तियां हैं, जो दूर कैटेगरी के देश है, वो बचेंगे क्योंकि टूरिस्ट जा रहा है वहां पर, अप्रोच बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लक्षद्वीप जैसे द्वीप है, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप है, हमारे काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी जगह पे प्लेस है हम लोग, लेकिन इसका लोग इतने सालों से फायदा नहीं उठा पाए इन चीजों का। और चाइना जो है अपने दीपों को तो ठीक है, जो चाइना के आसपास दीपों उनको तो ठीक है, वो दूसरे देशों के दीपों को भी भड़कने लगा। श्रीलंका में उसने एक पूरी पोर्ट सिटी बना रहा है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ले लिया, अफ्रीका में जाके वो अपने काम कर रहा है, वो एक तरह से इंडिया को हिंद महासागर। तो ये मोदी जी ने लक्षद्वीप के ऊपर टूरिज्म का बढ़ावा देकर के मालदीव को तो कहीं ना कहीं धक्का दिया, लेकिन इसके आकार चाइना को जरूर उन्होंने चोट पहुंचाई है। अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप अपने आप में बहुत एक हॉट टॉपिक बना हुआ पिछले दो तीन सालों से। हम तो अभी देखे ट्विटर पे मुश्किल से 4-5 दिन से बना, लेकिन आप बता रहे 2-3 सालों से हॉट टॉपिक बना। बिल्कुल, क्योंकि जब 2020 या 21 में मोदी जी ने अपने एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को वहां का एलजी यानी उपराज्यपाल बना के भेजा, यूनियन टेरिटरी में एलजी होता है, तो प्रफुल पटेल नाम से, प्रफुल वो गुजराती है, वो मोदी जी की कैबिनेट में भी रहे सीएम वाली उसमें जब वो सीएम थे, तो उनको जैसे भेजा तो वहां पे पहला प्रहार शुरू हो गया। तो किस तरह का पहला प्रहार करा उन्होंने? क्योंकि अब जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर जाता है, जैसे कश्मीर में उपराज्यपाल जब हमारा गया था तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंजेस शुरुआत हो गई थी, और उसी के बाद 370 भी हटी। तो अब जैसे ये गए तो वहाँ पे इन्होंने लॉस जो स्थिति खराब थी वो उनको ठीक करना शुरू किया। दूसरी बात, लक्षद्वीप पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका, ये बहुत बड़ी बात बोली गई है, ये शायद लोगों को नहीं पता है कि लक्षद्वीप एक मुस्लिम बहुल एरिया है, और वहाँ से सांसद भी आते हैं, तो मोहम्मद फराज या उनका ऐसा कुछ नाम है, तो वो भी, और जैसे ही ये जो एडमिनिस्ट्रेटर गया यहाँ से, तो उसने जो अपने रूल देना शुरू किए वहाँ पे, जो रूल फॉलो इम्प्लाई करना शुरू किए, तो वहाँ के लोगों ने और जो सांसद हैं उन्होंने इसका सीधे सीधे विरोध करना शुरू किया, लोकसभा में भी विरोध शुरू किया कि हमें ये प्रशासक नहीं चाहिए और यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वो रूल जो भी लगा रहे थे, जो भी चीजें में लग रही थी, वो भारत सरकार के नियमों के तहत होगा, भारत सरकार के नियम के तहत, क्योंकि हम देखते हैं एक विशेष कम्युनिटी को हमेशा दिक्कत होती है भारत सरकार के नियमों को मानने में, तो इन नियमों की वजह से वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट राइज होने पिछले 2 साल से लगे। तो कई जो विपक्ष हैं, कांग्रेस ने भी, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब ने भी अपने अपने, हाँ, ये खत्म, हमारे जो खत्म पार्टियां हैं देश में जिनको लेंस लेके ढूंढने की जरूरत पड़ती है, वो जरूर मुद्दों को उछालने में लग रही थी, चाहे भारत विरोधी एजेंडा हो तो बड़े मजे आ जाते हैं, और जब मुद्दा चीन से जुड़ा हुआ हो जाए, चीन के दलालों को जब तकलीफ होने लगे, तो भारत के स्लीपर सेल्स जो है वो तो हमेशा एक्टिव होंगे। तो इसी तरह से ये 2 साल से मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसमें काम करना शुरू करें, लगभग 1000 करोड़ की, अभी 1100 करोड़ की परियोजना तो मोदी जी भी लॉन्च कर, लक्षद्वीप के अंदर 1100 करोड़ की परियोजना, 1150 करोड़ की, जिसमें फाइबर केबल बिछेगा, ऑप्टिकल फाइबर, ताकि वहाँ पे नेटवर्किंग अच्छी हो, नेटवर्किंग अच्छी होगी तो सारी ई गवर्नेंस जितने भी है, बैंकिंग है, इन सब में जो नेटवर्क की स्पीड आ रही है इंटरनेट के फिलहाल, वो सिर्फ 10-20 गुना ऊपर हो जाएगी। हाँ, वही है ना, जो भारत, जो मोदी जी का सपना है, ड्रीम है कि कोने कोने से भारत को जोड़ना और सबका साथ सबका विकास। अभी ऐसा भी हमने सुना है कि रतन टाटा जी ने लगभग 200-250 होटल के लगभग बनाने का निर्णय लिया है लक्षद्वीप के अंदर मोदी जी के विजिट के बाद। अच्छा, ये भी अभी मैंने कहीं देखा था, पढ़ा था।
क्योंकि अब तो सर बूम आने वाला है। अब तो आप ये देखिए कि ये दो तीन साल में कितना चेंजेस वहाँ पे लक्षद्वीप को आया है कि मोदी जी को जाना पड़ा। दूरदर्शी, हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे मोदी जी वहाँ गए, लेकिन आप अभी देखोगे जैसा यश सर ने बताया, यश जी ने बताया कि हिडन सोच जो पिछले दो तीन सालों से चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मोदी जी आपने बोला था जैसे दिखाते हैं वो होता नहीं, एक्चुअल पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानी चली रहती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, लेकिन हमारे मोदी जी की जो सोच है, उनकी कैबिनेट और उनके जो लोग जुड़े हुए हैं वो बड़े मास्टरमाइंड है। बिना दूरदृष्टि अगर सोचे आप काम करते रहेंगे, जहाँ पे एक ऐसा देश जो सबको खाने में लगा होगा वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, तो आपको कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसे द्वीप यही तो निगरानी करेंगे क्योंकि ये रूट है, रूट है, एक तरफ बहुत बड़ी बात बोली है, एक तरफ वो श्रीलंका तक आ चुका है, अफ्रीका में हम लोग, तो टूरिस्ट जाएगा तो वो बचेंगे बिल्कुल, क्योंकि नागरिकों की जब अप्रोच हो जाएगी तो कोई भी देश नागरिक जहाँ पे पहुंचने लग जाते हैं तो वहां पर कुछ भी इस तरह का कदम उठाने से पहले झिझकता है, बचता है बिल्कुल। तो उसको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ पॉइंट लेने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पे ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग एक इंडिया की तरफ है तो सिर्फ इंडिया में ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं अंडमान में क्या चल रहा है, लक्षद्वीप पुरानी सरकार थी, हम नहीं कहते कि पुरानी सरकार के नुमाइंदे नहीं गए होंगे, लेकिन जिस तरह से भी बूम देखने को मिला है देश के हर कोनों में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस तरह का कनेक्टिविटी भारत के एक कोने से हर नागरिक को जोड़ा है बिल्कुल, क्षेत्रवाद को हटा दिया है, सिर्फ भारत, जब भी वन नेशन की बात चल रही है भारत और इंडिया ये दो नाम में चले, इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन भारत ही होना चाहिए, भारत ही भाई, ये तो होता ही नहीं कहीं पर भी, हमने नहीं देखा कि अमेरिका के दो नाम है या श्रीलंका के दो नाम है, तो हमारे भारत के अंग्रेज गुलाम बना के चले गए इंडियन बोल करके, लेकिन हम तो भारतीय हैं, भारत मात्र एक नाम, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मोदी जी। अच्छा एक चीज और बताओ, विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी जी जो है फोटोग्राफी के शौकी है, तो क्या वो यहां से दिल्ली से मात्र फोटोग्राफी के लिए या घूमने के लिए लक्षद्वीप भेजेगा? बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है कि इसके पीछे सिर्फ फोटोग्राफी है? उनको 75 साल के व्यक्ति हैं, उनको क्या शौक होगा फोटोग्राफी का, उनकी तो वो तो तपस्वी आदमी है, तो ऐसा भी नहीं कि इंस्टाग्राम पे अपलोड करने और उनको फॉलोवर भी पूरी दुनिया में है, तो ऐसा क्या है वो फोटोग्राफी की जो एंगल सेट करवाते हैं, इसके ऊपर भी विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा करता है क्योंकि मंद बुद्धि है, मानसिक दिवालिया हो चुका है, उनको ये नजर नहीं आता कि फोटो के एंगल में जो मोदी जी दिख रहे हैं वो पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो नेचुरल ब्यूटी है, उसी नेचुरल ब्यूटी उसी फोटोग्राफी की वजह से आज लक्षद्वीप पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, इतनी नेचुरल ब्यूटी थी और हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग, तो इसे विपक्ष को आप क्या दो बातें बोलना चाहेंगे बड़ी प्यारी सी? बस विपक्ष को यही है कि हर चीज में अगर आप विरोध करने उतर जाएंगे, मोदी विरोध करते करते आपको नहीं लगता कि भारत का विरोध होने लग गया? वो वहीं पे वो थिन लाइन है, वो भूल जाता है विपक्ष हमेशा कि मोदी विरोध करते करते, एक राजकुमार है वो तो हमेशा फ्लाइट में बैठ के बैंकॉक मार जाते, उड़ी मार जाते, कभी इटली चले जाते नानी के पास जैसे ही टाइम आता है, और एक फोटो तो मैंने वो भी देखा था जिसके अंदर राजकुमार जी समुद्र के अंदर गोता लगा रहे और इधर मोदी जी का फोटो लगा रखा है। अरे भाई मानसिक दिवालिया हो चुके विपक्ष, आप इतना तो सोचिए वो एक युवा मंदबुद्धि बालक है जो समुद्र के अंदर आर्बिट्रेरी तरीके से चुनाव के समय प्रचार के लिए घुसा था, जो समुद्र में गोता लगाया था, शार्क आ गई तो डर भी लगा होगा, लेकिन ये तो प्लानिंग के तहत हुआ था, इसको बार ड्राइविंग पूरी मीडिया के साथ पूरा दिखाया गया था कि इनर ब्यूटी कितनी है हमारी सीखी, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो हमारा हो चुका दिवालिया वो तो बंटाधार हो चुका उसका पूरा। मोदी जी तो सर बेनिफिट लेना जानते हैं चीजों का और उनको पता है कि वो ग्लोबल प्लान, उनके बेनिफिट का मतलब है कि भारत के हिस्से में भारत के फेवर में क्या बेनिफिट होता है, ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर वो बन चुके हैं, और जिस तरह से उनके ना किए भी वो तीन मंत्री जबरदस्ती फिल्म, ये बहुत बड़ा मतलब दबाव है, ना कहे मुंह पे उंगली लगा करके उन्होंने जो कारण, आज हमने देखा भी था कि जो मालदीव का एंबेसडर अपने दिल्ली में थे उनकी आज मीटिंग हुई थी, उनको तलब किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, मात्र 5 मिनट की, 9:35 के लगभग गए थे, 12:35 के लगभग 12:40 पे 1 मिनट की डांट सुन के वापस आ गए, तो ये नया भारत है। तो आपको नहीं लगता है कि मोदी जी के जो ये तरीके से चीन को, चाहे सीमा के बाहर वाले चीन के दलाल हो चाहे सीमा के अंदर वाले चीन के दलाल हो, धक्का लगा होगा, ये रणनीति जो थी ये बड़ी प्लानिंग के साथ की गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह से किया जा रहा है कि जो अंदर बैठे हैं साथ ही बाहर बैठे हैं, क्योंकि चीन हमें हर तरफ से घेर रहा है, अगर चीन अंदर तक पहुंच चुका है तो न्यूज लीक के मामले में बताना चाहूंगा, न्यूज लीक हमारे दलाल पिद्दी दलाल जो मीडिया पत्रकार थे, न्यूज लीक के बारे में आपने सुना होगा, चीन से फंडिंग लेकर के भारत सरकार के विरोधी एजेंडा चलाते थे, पैड न्यूज जाता है हमें किस तरह से, और चीन तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगी, लगनी भी चाहिए, बर्नोल भी खूब, मैं कहता हूं मोदी जी से जो बजट आएगा इस बार उसके अंदर बर्नोल के ऊपर जीएसटी बिल्कुल हटा दो और उसके बाद इतनी सब्सिडी दी जाए, क्योंकि बर्नोल बहुत ज्यादा बिकती है भारत के अंदर, जब से 2014 में मोदी जी बने बर्नोल की बिक्री बहुत बढ़ गई है, अभी देखना 22 जनवरी को जब दिए जलेंगे तो बहुत कुछ जलेगा, 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जाने क्या क्या जलेगा, तो बर्नोल मैं मोदी से आग्रह करूंगा बर्नोल के ऊपर जीएसटी टैक्स वगैरह हटा करके ह्यूज सब्सिडी दी जाए। तो इस तरह का हमारा ये मोदी जी का छोटा सा ट्रिप था, लोग समझ रहे छोटा सा ट्रिप था, लेकिन यश सर ने बताया, यश शर्मा जी ने बताया 2 साल से प्लानिंग चली आ रही थी कैसे टूरिज्म के साथ साथ चीन के दलालों को, चीन प्रो चाइना गवर्नमेंट को एक संदेश दिया जाए कि नागरिक हमारे भारत के टूरिज्म के लिए हमारे देश के अंदर घूमेंगे, लेकिन
असर आपके ऊपर होगा। इसका सीधा सीधा कारण यही है कि आपको टूरिज्म तो देना है, आपको इकोनॉमी तो बढ़ानी है, लेकिन साथ ही जो हमारा एरिया है यानी वो भी कंट्रोल में, बिल्कुल उसको भी कंट्रोल करना है हमें। हम खुद जानते हैं जब हमारे अगर कोई मकान या कोई खेत होता है अगर उसकी निगरानी प्रॉपर नहीं रखेंगे तो पड़ोसी जो घात लगाए बैठे हुए रहते हैं कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये मोदी जी का हमारी पुरानी जो सरकार रहती है जो विलासिता में खोई हुई नजर थी उसका उदाहरण है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, अरुणाचल की बहुत सारी भूमि, लद्दाख की भूमि, लेकिन अब ये नई सरकार है 56 इंच का सीना है ये सब कोई कदम नहीं है। चाइना ने खुद अभी अपने न्यूज़पेपर में लिखा है कि इंडिया अपने आप में ध्रुव यानी एक शक्ति खड़ी होती जा रही है। मोदी जी ने एक बार पहले बोली भी थी कि हम हमसे पूरी दुनिया है, हम दुनिया से नहीं है, बिल्कुल तो वो दिखता नजर आ रहा है, दिखता नजर आ रहा है। और इंडिया को लेकर आप देखिए कि इंडिया की हैसियत ये है कि मालदीव जैसे एक देश में, नेपाल जैसे देश में इंडिया के नाम पे चाइना के नाम पे चुनाव लड़े जाने, आप किसके समर्थित हैं, किसके समर्थित, इसके हिसाब से सरकारें बदल रही बन रही। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन यश शर्मा जी के साथ हुआ, हम आगे और भी चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। भारत के आर्थिक सहयोग के साथ साथ आप चौकन्ने रहिए क्योंकि विपक्ष भारत का नहीं रहा है, बाहर के विदेशी ताकतों के इशारों पर खेलने लग गया है। जय श्री राम, धन्यवाद।